मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पॉलिनोमियल वाले और फ्रैक्शन वाले फंक्शंस की लिमिट्स देखी थी। आज वही रिपीट करते हैं बट थोड़े अलग टाइप के। ओनली 30 पीपल आर वॉचिंग। Yes, good morning. Okay, so let's start. Example. Limit x tends to 2, x square minus 7x plus 10 upon x square minus 5x plus 6. ओके, क्या करना है इसमें? कोई बता सकता है? देखो, ये इंडिविजुअली पॉलिनोमियल है, ये भी इंडिविजुअली पॉलिनोमियल है, बट हमें लिमिट किसका, ये पूरे के पूरे फंक्शन का फाइंड करना है। अब फंक्शन में जब भी ये डिनोमिनेटर में कुछ भी आए, दैट मीन्स कि कहीं पे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, या तो फिर सिंपली आप ये यहाँ पे रखो अगर, ठीक है, और कौन सा आपको आंसर मिल रहा है, तो ये 2 यहाँ पर रखते हैं। अगर 2 रखने के बाद हम देखते हैं कि क्या मिलेगा, तो 2 स्क्वायर तो वो 4 माइनस 2 इंटू 7 तो 14 प्लस 10 अपॉन ये 2 रखने के बाद 4 माइनस 5 इंटू 2 10 प्लस 6 क्या मिला, तो ये 14 माइनस 14 तो 0 और ये 10 माइनस 10 तो भी 0, 0/0 जब भी आए तो उसकी लिमिट हमें नहीं मिली, ठीक है। तो क्या करोगे, तो देखो ये क्वाड्रेटिक, यस, फर्स्ट फैक्टराइज करना है, गुड। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, ये पॉलिनोमियल है वो, तो इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद अब देखो क्या 2 रखने के बाद 0 मिल रहा है दोनों, मीन्स कि इन दोनों में x माइनस 2 एक फैक्टर होगा ही डेफिनेटली, तभी वो 0 होता है, वरना नहीं होता, ठीक है। तो फैक्टराइज करते हैं इसमें, तो 10 के ऐसे पार्ट करो सो दैट उसका एडिशन होके आपको 7 आंसर मिले। तो 10 के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, दो ही होते हैं, 5 और 2। अब 5 और 2 का एडिशन करते हैं तो क्या आंसर मिलेगा, 7, हाँ तो हो गया। तो x का 5 और 2, ये 10 का, ठीक है। अब ये नेगेटिव है, ये वाली साइन कहाँ पे जाएगी, तो बड़े वाले को जाएगी, बड़ा वाला 2 और 5 में से कौन सा है, 5, और यहाँ पे प्लस है तो दोनों की साइन सेम रहेगी। अभी ये माइनस है तो सेम वाली इसकी भी माइनस ही रहेगी। सिमिलरली ये देखते हैं, 6 के ऐसे पार्ट्स निकालो सो दैट उनका एडिशन करके आंसर आपको 5 मिले, एडिशन करके 5, तो 3 एंड 2 एडिशन कर लो, 5 मिला, यस, तो 3 एंड 2। अब साइन कौन सी, ये वाली जो है वो बड़े को जाएगी, तो बड़ा कौन सा है, तो ये 3,
अब यहाँ पे एडिशन है तो दोनों की साइन सेम रहेगी, तो ये माइनस है तो इसका भी माइनस। ओके, जैसे कि मैंने आपको बोला कि टू रखने के बाद यहाँ पे दोनों जीरो हो रहा है, दैट मीन्स कि दोनों में एक्स माइनस टू कॉमन फैक्टर होगा ही। अब वो हो गया तो वो कैंसिल हो गया, बाकी जो बचा वो लिख दो। ओके, अब टू रखो, जीरो बाई जीरो नहीं आएगा क्योंकि जिसकी वजह से जीरो आ रहा था वो तो निकल गया। तो अब डायरेक्टली हम ये आंसर यहाँ पे रखते हैं, ये लिमिट यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब लिमिट जब अप्लाई करो तब ये निकल जाएगा, अप्लाई जब करो तो x की जगह पे हम 2 रखेंगे, तो 2 माइनस फाइव अपॉन 2 माइनस थ्री, ये क्या मिला तो माइनस टू, और ये क्या मिला माइनस थ्री, एंड ये क्या मिला तो माइनस वन, तो आंसर 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लिमिट एक्स टेंस टू वन, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। मीत कावर कॉमन काढ़िए तो ना चाले, कॉमन सो काट सो। कॉमन आवाती सो निकल से कहीं कॉमन छे, एक्स एक्स कॉमन काढ़ो तो पण ये सेम ज रहे से, अहीं थी एक्स अहीं एक्स तो छे ज नहीं। ઓકે, સપોઝ તમે એમ ઓકે મિત જેવી રીતે કહી છે કે એક્સ કોમન કાઢીએ, તો એ એક્સ કોમન કાઢવાવાળી એક પર્ટિક્યુલર મેથડ છે, એ ક્યારે યુઝ થાય તો જો એક્સ ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી હોય ત્યારે એ રીતે આપણે કોમન કાઢીએ, બાકી અહીંયાથી એક્સ કોમન કાઢશો તો અહીંયા અપોન એક્સ આવશે, અહીંયા અપોન એક્સ સ્ક્વેર આવશે, અગેઇન ત્યાં ટુ અપ્લાય કરશો તો પણ સેમ જ એ ઝીરો બાય ઝીરો જ ફોર્મ મળવાનું છે, બરાબર? એ પણ આવશે આપણી મેથડ, પણ એ પર્ટિક્યુલર છે જ્યારે એક્સ ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી આવશે ત્યારે જ આપણે કોમન કાઢવાનું છે। ઓકે, યે ફેક્ટરાઇઝ કેસે કરોગે? ક્લિયર હૈ કે ડિનોમિનેટર મેં કુછ આયા ઓર યે યહાં પે રખતે હૈ તો યે ભી ઝીરો બન રહા હૈ, યે ભી ઝીરો બન રહા હૈ, ઝીરો બાય ઝીરો ફોર્મ બન રહા હૈ, તો ક્યા કરેંગે દોનો કો ફેક્ટરાઇઝ કરેંગે। અબ દેખો, યે તો હમ ઇઝીલી ફેક્ટોરાઇઝ કર સકતે હૈ, યે એ સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર સે, બટ યે ફેક્ટોરાઇઝ કેસે કર સકતે હો? એક ફેક્ટર હમે પતા ચલ જાયેગા, દેખો યે એક્સ ઇક્વલ્સ ટુ વન યહાં પે રખતા હૈ ના, તો યે હો જાયેગા વન માઇનસ વન વો ઝીરો, માઇનસ ફોર પ્લસ ફોર ઝીરો, મીન્સ પૂરા કા પૂરા ઝીરો હો ગયા। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो जीरो जीरो बन रहा था तो यहाँ पे x माइनस टू, एक्स माइनस टू उसका फैक्टर था, तो सिमिलरली यहाँ पे वन रखने के बाद ये जीरो बन रहा है, दैट मीन्स कि x माइनस वन एक इसका फैक्टर है ही, x माइनस वन एक इसका फैक्टर है ही, मीन्स x वन रखने के बाद ये ऐसा हो रहा है, ठीक है? तो इसको फैक्टराइज कैसे कर सकते हो? आपको पॉलिनोमियल का डिविजन पता है सबको, है ना? वो हमने सेम टू में देखा ही था, तो ऐसे फैक्टराइज करना है आपको, x माइनस वन से इसको डिवाइड कर दो,
तो आपको x माइनस वन इंटू समथिंग मिलेगा। करते हैं, चलो x माइनस वन से इसको डिवाइड करना है। कैसे करोगे? तो इसका इसका पहला जो पहली जो टर्म है उसको इसकी पहली टर्म से डिवाइड करो। तो x क्यूब अपन x क्या मिला हमें? x स्क्वायर। तो इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। अब इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा? x स्क्वायर इंटू x, x क्यूब माइनस x स्क्वायर इंटू वन, तो माइनस x स्क्वायर। अब इनका सब्ट्रैक्शन करना है, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, दोनों कैंसिल आउट होके मिला हमें ज़ीरो। ऊपर से टर्म नीचे लेते हैं। अब इसकी पहली टर्म मीन्स एक ही है टर्म, ओके, इसको इससे डिवाइड करो फर्स्ट टर्म से। तो एक्स बाई एक्स क्या मिला? माइनस फोर। दिस टर्म अपॉन एक्स तो क्या मिला? माइनस फोर। तो माइनस फोर से मल्टीप्लाई कर दो, ओके। माइनस फोर से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस फोर से इसको मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? माइनस फोर एक्स इंटू माइनस फोर, तो माइनस माइनस प्लस फोर। ये कैंसिल आउट होके ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट होके हमें बचा, हमारे पास बचा माइनस फोर ओनली। ऊपर से नीचे टर्म लाते हैं, माइनस फोर प्लस फोर जीरो हो गया। ऊपर से ये टर्म नीचे लाए, माइनस फोर प्लस फोर जीरो हो गया। तो हमें क्या मिला? ये मीन्स कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमें ये मिल रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इसकी जगह पे हम x माइनस वन इंटू दिस टर्म ऐसा लिख सकते हैं। यस, गुड संतोष। और इसको फैक्टराइज करो तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से ये होगा x माइनस वन एक्स प्लस वन। इसमें कुछ डाउट है तो बोलो। गुड अंकित, ओके। अब किसकी वजह से ये जीरो हो रहे थे दोनों? तो x माइनस वन की वजह से, वो दोनों फैक्टर मिल गए। हाँ, कैंसिल आउट कर दो, बाकी जो बचा वो लिख दो। अब लिमिट अप्लाई कर दो, क्योंकि जिसकी वजह से जीरो हो रहे थे वो तो निकल गए। अब यहाँ पे x इक्वल्स टू वन अप्लाई कर दो तो ये क्या मिलेगा? वन स्क्वायर दैट इज वन माइनस फोर अपॉन वन प्लस वन, क्या मिला? तो माइनस थ्री बाई टू। अपॉन टू आएगा ना, नीचे x है। नेक्स्ट हम नोट लिखते हैं। राइट डाउन लिमिट x टेंस टू a, x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपन x माइनस a। अगर ऐसी कोई टर्म है इस टाइप की, ठीक है, कि x टेंस टू a है, सेम ये x रेस टू n माइनस इसके साथ a रेस टू n है, और ये अपन ये वाली टर्म जिससे जीरो बनता है x माइनस a, इस टाइप की डिज़ाइन है अगर फंक्शन की, तो इसका आंसर डायरेक्टली हमें लिखना है ऐसा, n a रेस टू n माइनस वन, वेर n क्या? तो n बिलोंग्स टू R।
कि कोई भी रियल नंबर के लिए ये सही होगा, ऐसा ये सेटिस्फाई करता है। अगर इस टाइप का फंक्शन है उस पे लिमिट x टेंस टू a है तो इसका डायरेक्टली हम आंसर लिख सकते हैं n a रेस टू n माइनस वन, ये ध्यान में रखना है। तो इस टाइप के एग्जांपल हम देखते हैं इसके लिए। लिमिट x टेंस टू 2 x रेस टू 4 माइनस 16 अपॉन x माइनस 2, ऐसा एग्जांपल दिया है। अगर यस ये कैसे होगा, तो ये हमने लिखा ना यहाँ पे, इसका यूज करना है। वैसे हम जैसे आगे हमने फैक्टराइज किया ऐसे भी हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, पर अब देखो रेस टू 4 है तो फैक्टराइज करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ओके तो बेटर कि इसका हम यूज करें। कैसे कर सकते हैं, तो देखो हम इस वाली डिजाइन में हम इसको लिखते हैं। ये x रेस टू 4 है तो ये समथिंग रेस टू 4 लिख सकते हैं इसको, ऐसा किसका रेस टू 4 होगा, ये तो देखो मैं ऐसा लिखू 2 × 2 × 2 × 2, ये क्या होता है, ये 4 ये 4 तो ये 16 हो गया, तो ये 2 रेस टू 4 इसको लिख सकते हैं हम। ओके अपॉन x माइनस 2, अब देखो इस टाइप का दिख रहा है x टेंस टू a x टेंस टू 2, अब ये जो a है वही यहाँ पे दोनों a होने चाहिए, तो देखो ये 2 है तो वो दोनों यहाँ पे 2 है। x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a हो गया इस a टाइप का, तो इसका डायरेक्टली हम आंसर ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या आंसर लिख सकते हैं, तो n, अब n क्या है यहाँ पे 4, तो n मीन्स 4 इंटू a, a मीन्स a क्या है यहाँ पे, तो 2 रेस टू n माइनस 1, n क्या है तो 4 माइनस 1। ओके दैट इज 4 इंटू 2 रेस टू 4 माइनस 1 दैट इज 3, और ये क्या होगा तो 8, और 4 × 8 = 32। अब यहाँ पे हमें रीज़न लिखना होगा ये क्यों लिखा, तो यहाँ पे रीज़न लिखना होगा बिकॉज लिमिट x टेंस टू a x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a इक्वल टू दिस, ये रीज़न लिखना ज़रूरी है, तो ये लिख दो यहाँ पे, ये बिकॉज का है सिंबल। ये अगर समझ में नहीं आया है तो बोलो। यस गुड एवरीवन, करण इतने लेट से आने का क्या मतलब, ओके आई थिंक किसी को क्वेरी नहीं है, तो नेक्स्ट सम देखते हैं हम।
लिमिट x टेंस टू 1, x रेस टू 18 माइनस 1 अपॉन x रेस टू 6 माइनस 1। ओके, ये कैसे करोगे? कैसे करोगे ये? तो आगे वाला जो सम देखा उसके हिसाब से ही ये करना है, ठीक है? कैसे करोगे? तो देखो, यहाँ पे हमने जैसे यहाँ पे ऐसी इस टाइप का फॉर्म देखा, पर्टिकुलरली उस टाइप का फॉर्म नहीं है, यहाँ पे जो फॉर्म है सेम उस टाइप का नीचे भी फॉर्म है, देखो। ओके, तो क्या करोगे? तो जो भी टर्म कम पड़ रही है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। और वैसे भी आपको कैसे देखना है कि ये किस, इसमें कौन सी मेथड अप्लाई करनी है। तो जब भी आपको x रेस टू समथिंग दिखे और ये x माइनस वन मीन्स x टेंस टू 1, तो ये माइनस वन या तो उसका पावर यहाँ पे दिखे ना, तो उस टाइप की आपको मेथड अप्लाई करनी है। पहले तो देखो, हम ऐसे लिखते हैं इसको, x रेस टू 18 माइनस वन रेस टू 18 लिख सकते हैं इसको, और ये एक्स रेस टू 6 माइनस वन रेस टू 6, ठीक है? तो ये इससे तो इतना क्लियर हो गया कि जो आगे हमने नोट लिखी उसके हिसाब से ये सम सॉल्व करना है। ओके, तो अभी उस टाइप का सम, उस टाइप की मेथड अप्लाई करने में नीचे क्या चाहिए? अगर ऐसा है तो नीचे आपको एक्स माइनस वन चाहिए, और इसको इंडिविजुअली देखे तो इस पे क्या, इसमें क्या कम पड़ रहा है, तो नीचे x माइनस वन होना चाहिए, तो दोनों को डिवाइड कर दो। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, वन अपन x माइनस वन अपन वन अपन x माइनस वन, ये कैंसिल आउट होके ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है? तो मैंने इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो ये इसके नीचे जाएगा, ये इसके नीचे जाएगा, तो यहाँ पे स्पेस कम पड़ रही है, मैं नीचे लिखती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, तो x रेस टू 18 माइनस वन रेस टू 18 अपन इसको इसके नीचे ले लो, ये न्यूमरेटर बन गया। अब डिनोमिनेटर दिस अपन दिस, ओके, ये टर्म है वो न्यूमरेटर है, और अपॉन करके ये टर्म डिनोमिनेटर। अब लिमिट का कि ये प्रॉपर्टी है कि अगर ये 0/0, ये 0/0 नहीं है तो हम दोनों को अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी लिमिट लिख सकते हैं और यहाँ पे भी लिमिट लिख सकते हैं, ठीक है? तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 1 दिस टर्म, अपॉन ये इसको भी लगा सकते हैं, ये कौन सी टर्म दिख रही है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, चलो एडवांस में ही मैं रीजन लिख देती हूँ कि अगर ऐसा है, इस टाइप की टर्म है, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो n a रेस टू n माइनस वन, तो इसके हिसाब से यहाँ पे आंसर क्या आएगा, देखो ये दिख रहा है x रेस टू n माइनस ये a रेस टू n अपॉन x माइनस a, सिमिलरली x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस ये a, तो इसके हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे n क्या है, तो 18, तो n a रेस टू n माइनस वन, तो n a रेस टू n माइनस वन अपॉन, यहाँ पे n क्या है, तो 6, और a क्या है, तो 1, तो n a रेस टू n माइनस वन। ये कैंसिल आउट होके 3 हो गया, 1 रेस टू एनीथिंग तो वो 1, तो आंसर 3।
ये रीजन लिखना जरूरी है अगेन, तो ये लिख दो। यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। आंसर 18। आप लोग सिर्फ न्यूमरेटर काउंट कर रहे हो, डिनोमिनेटर नहीं। यस, ओके, गुड संतोष। ऊपर नु समझानु नहीं। विच वन मीट, कयो स्टेप? फर्स्ट स्टेप, ओके। जिनको भी समझ में नहीं आया मैं फिर से समझाती हूँ, तो हम यहाँ पे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपन ये x माइनस a है, ये वाली यहाँ पे टर्म, ठीक है? तो मीन्स ये आपको अप्लाई करना है, ये वाली मेथड जब भी इस टाइप का दिखे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे x रेस टू n माइनस ये a है 1, तो मैं इसको 1 रेस टू 18 भी लिख सकती हूँ। सिमिलरली ये 1 को भी, यहाँ पे 6 है तो इसको 1 रेस टू 6 भी लिख सकती हूँ यहाँ पे। हाँ, तो ये देखो यहाँ पे इसके हिसाब से x रेस टू n माइनस a रेस टू n यहाँ पे आ गया, बट नीचे कौन सी टर्म कम पड़ रही है, तो x माइनस 1 नीचे होना चाहिए सो दैट हम ये वाली मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकें। तो इसके नीचे ऐसी टर्म नहीं है, सिमिलरली इसके नीचे भी ऐसी टर्म x माइनस 1 नहीं है, तो जो कम पड़ रहा है उससे हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। तो क्या हमें यहाँ पे चाहिए, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 कम पड़ रहा है, तो उससे मैंने ये मल्टीप्लाई कर दिया इसको। अब इसको बैलेंस करने के लिए सेम टर्म को डिवाइड भी करना पड़ेगा, वो यहाँ पे आ जाएगी। ओके, तो ये पूरा का पूरा ये बैलेंस हो गया कि हमें सिर्फ इतना चाहिए था, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब इसको क्या किया मैंने, इसके नीचे ले लिया, मीन्स 1 अपॉन है ना, ये 1 इसको मल्टीप्लाई किया अपॉन डिवाइड में ऐसा। सिमिलरली ये 1 इंटू दिस अपॉन ये x माइनस 1। अब देखो ये टर्म सेम बन रही है ये, यस, पर आगे लिमिट होनी चाहिए, तो ये लिमिट दोनों को लगानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे भी लिमिट चाहिए, तो मैंने दोनों को इंडिविजुअली लिमिट दे दी। ये लिमिट की प्रॉपर्टी है कि अगर इसका आंसर फाइनाइट आ रहा है तो दोनों को इंडिविजुअली, हम दोनों का आंसर फाइनाइट आ रहा है तो दोनों को हम इंडिविजुअली लिमिट लगा सकते हैं, तो लिमिट लगा दी। अब इसको अप्लाई करो तो ये आंसर ऐसा आएगा, इसको लिमिट ये वाला रूल अप्लाई करो तो इसका आंसर ऐसा आएगा, हो गया मीत। अब अगर क्वेरी है तो बोलो, फिर से समझाती हूँ अगर नहीं समझ में आया तो। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसी टर्म बनाने के लिए किया। ओके, जैसे कि आगे हम देखते हैं यहाँ पे, ओके, ये वाले सम में कि ऐसा सम था, तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी ऐसी टर्म है ही, पर यहाँ पे ऐसी टर्म नहीं थी और दोनों को x माइनस 1 डिवीजन में चाहिए, इसलिए बैलेंस करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया सो दैट हम दोनों के लिए ये वाला रूल अप्लाई कर सके। लास्ट स्टेप ना समझाई, ओके,
एक्स रेस टू एन माइनस ये ए रेस टू एन अपॉन एक्स माइनस वन है. यस, एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन अपॉन एक्स माइनस वन मीन्स एक्स माइनस ए. अब ये ए सेम यहाँ पे होना चाहिए. हाँ है. चलो तो इसके हिसाब से ये आंसर क्या होगा, एन ए रेस टू एन माइनस वन. तो ये आंसर हमें यहाँ पे लगाना है, इसका आंसर ऐसा आएगा. तो एन मीन्स 18 इंटू ए रेस टू एन माइनस वन. तो ए क्या है यहाँ पे, तो वन इंटू वन रेस टू एन माइनस वन दैट इज 18 माइनस वन, क्योंकि एन यहाँ पे 18 है और ए है वन. तो ये दोनों यहाँ पे अप्लाई करो, वो इसका आंसर आएगा. सिमिलरली यहाँ पे एन क्या है तो 6 है और ए क्या है तो 1 है. देखो ये 1 1 1, यहाँ पे भी 1 1 1. तो इसका आंसर इसके हिसाब से क्या आएगा, एन मीन्स 6 इंटू ए रेस टू एन माइनस वन. अब समझ में आया मनन स्मिथ. ओके स्मिथ, ओके ऐसा ही एक एग्जांपल देखते हैं. माइनस टू माइनस है. लिमिट x टेंस टू माइनस टू ऑफ दिस. अब जैसे कि मैंने आपको आगे बोला कि यहाँ पर अगर माइनस टू है और ऐसी x रेस टू हायर टर्म्स है, अगर आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हो तो ये डेफिनेटली 0/0 ही बनेगा. ठीक है, क्यों, क्योंकि ये माइनस टू रेस टू सेवन तो माइनस 128 आएगा आंसर, तो ये 0 हो गया. और ये माइनस टू यहाँ पे रखते हो तो माइनस टू रेस टू फाइव तो वो माइनस 32 आएगा. माइनस 32 प्लस 32 0/0. जब भी ऐसा आ रहा है यहाँ पे अगर x की हायर पावर है, यहाँ पे x टेंस टू समथिंग है, तो आप इसका रेस टू सेवन करो तो ये टर्म आ जाएगी. ठीक है, ये 128 ही आएगा. अगर आप 2^7 करो, माइनस को अभी भूल जाओ, 2^7 करोगे ना तो वो 128 ही आएगा, और 2^5 करोगे तो 32 ही आएगा. तो इस केस में हम ये वाली टर्म बनाएंगे. तो जैसे कि यहाँ पे सेम था यहाँ पे कि दोनों के लिए देखो ऐसा हो रहा है और इसमें क्या दोनों को कम पड़ रहा है, तो अपन अपन करके ये वाली टर्म. तो यहाँ पे भी सेम ऐसे कि जो भी कम पड़ रहा है वो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम. पहले तो हम इसको पहले बैलेंस करते हैं. ठीक है, इसको पहले बैलेंस करते हैं. ये अप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन माइनस होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या है, प्लस है. तो हम इसको कैसे लिखे, ऐसा लिख सकते हैं ऐसा. हाँ, ऐसा क्यों कर रहा है, देखो एक्स रेस टू एन मीन्स हायर टर्म्स है इसलिए इसको फैक्टोराइज हम नहीं कर सकते. तो डेफिनेटली यही आपको अप्लाई करना होगा, आपको इतना समझ लेना है. ओके, अब ये क्या है, तो पहले तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये माइनस टू है. माइनस टू रेस टू सेवन करो ना तो वो माइनस 128 ही डेफिनेटली आएगा. कैलसी में करना है तो आप चेक कर सकते हो. तो इसको मैं लिखूं माइनस टू रेस टू सेवन अपॉन एक्स रेस टू फाइव एज इट इज. ये इसको तो ये तो पता है सबको कि माइनस टू रेस टू फाइव करो तो वो माइनस 32 ही आएगा. तो अब देखो इस टाइप का बन रहा है यहाँ पे. हाँ,
अब क्या कम पड़ रहा है, तो हमें ये चाहिए, इसके नीचे x माइनस वन चाहिए और इसके नीचे भी x माइनस वन चाहिए, तो मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया सो दैट ये बैलेंस हो जाए। ओके अब ओके यहाँ पे नहीं, नेक्स्ट पेज ले लीजिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो लिमिट x टेंस टू माइनस टू इससे डिवाइड कर दो ये, तो ये ऊपर क्या बनेगा न्यूमरेटर में, तो ये एज इट इज ये इसके नीचे जाएगा, तो अपन x माइनस वन, ये न्यूमरेटर बना। अब डिनोमिनेटर दिस अपन दिस, ठीक है ये समझ में आ रहा है सबको, सिर्फ मैंने इसको रीराइट किया और कुछ नहीं है। अब दोनों को हम इंडिविजुअली लिमिट लगा सकते हैं, वो स्टेप ना लिखो तो भी चलेगा। अब क्या अप्लाई करना है, तो हमारे पास ये रिजल्ट है ही, वो रीजन लिखना पड़ेगा। तो देखो ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, हाँ एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन अपन एक्स, सॉरी सॉरी यहाँ पे क्या कम पड़ रहा है, वेट वेट हमें x माइनस ए चाहिए ना, तो x माइनस ए, ओके तो यहाँ पे माइनस टू, तो x रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन अपन x माइनस ये a है यहाँ पे, और वो भी a यहाँ पे है ही, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे x रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन अपन x माइनस a, और ये x टेंस टू a है ही, तो यहाँ पे लिखते हैं n क्या है तो 7, a क्या है तो माइनस टू। सिमिलरली यहाँ पे n क्या है तो ये 5, और a क्या है तो माइनस टू, तो ये इसके लिए ये रूल अप्लाई करो, तो n में 7 a रेस टू n माइनस वन इसका आंसर, अपॉन करके इसका आंसर लिखो, तो n a रेस टू n माइनस वन, ओके मैं समझाऊं छू। अब इसको से सिर्फ ठीक है पहले ही समझा देती हूँ ये, सेकेंड स्टेप माइनस 128, ओके मैंने इसको प्लस यहाँ पे है। अब ये रूल अप्लाई करने के लिए यहाँ पे तो माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस बनाना पड़ेगा, तो माइनस बनाने के लिए इसको माइनस अंदर एक ले लो, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बैलेंस करने के लिए। मुझे ये भी रूल अप्लाई करना है तो बीच में माइनस होना चाहिए, माइनस नहीं है प्लस है, तो मैं माइनस माइनस ऐसे लगा दूँ सो दैट ये प्लस हो जाएगा, तो मैंने सिर्फ इसको रीराइट किया। सिमिलरली यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए, जो नहीं है तो वो माइनस बाहर लेके इसको माइनस दे दो, तो माइनस बाहर लेके इसको एक माइनस दे दिया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो सिर्फ मैंने बैलेंस करने के लिए ऐसा लिखा सो दैट मैं ये रूल यहाँ पे अप्लाई कर सकूँ। और वैसे भी ये भी सेट यहाँ पे होना चाहिए, तो वो सेट हो रहा है, तो माइनस 128 को माइनस 2 रेस टू 7 करो, तो ये a यहाँ पे आ गया। समझ में आ रहा है, और नीचे x माइनस ए भी चाहिए, तो मैंने x माइनस ए भी इससे डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी x माइनस ए ओपन में होना चाहिए, तो उससे भी मैंने ये डिवाइड कर दिया। अब ये कैंसिल होके बैलेंस हो गया, दैट मीन्स कि इसका अल्टीमेटली आंसर ऐसा आएगा, तो मैं सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में इसको रीराइट कर रही हूँ। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में इसको और अलग से रीराइट करोगे, इसके नीचे ये दे दो सो
दैट इसको न्यूमरेटर को हम ऐसे लिखेंगे और डिनोमिनेटर को भी इसके नीचे ये लिख दो, तो ये अगेन मैंने रीराइट किया से। अब मैंने ये रूल यहाँ पे ये दोनों के इंडिविजुअल टर्म के लिए मैंने वो ये रूल अप्लाई किया। ओके, अब कैलकुलेशन देखते हैं कि कैलकुलेशन क्या हो रहा है। तो ये 7 एज इट इज, 5 एज इट इज, ये क्या बना तो -2 raised to 7 - 1 = 6, और ये क्या बना -2 raised to 5 - 1 = 4। अब ये दोनों मीन्स बेसिस सेम है, पावर्स है, तो क्या करेंगे, डिवीजन में है तो पावर्स का क्या होता है, तो सब्ट्रैक्शन, तो 6 - 1, तो 6 - 1 = 2, -2 raised to 2 वो 4 हो जाता है। तो अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये क्या आंसर आएगा, 7 into 4 = 28, और ये अपन। संतोष, हमें डेसिमल में आंसर नहीं लिखना है, हमें सिर्फ ये फ्रैक्शन में आंसर लिखना होगा। यस ऋतिक, गुड। अब कोई क्वेरी है तो बोलो। देखो ये रूल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ओके, तो ये रूल आपको ध्यान में रखना ही है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल उमेश, सबसे फर्स्ट। उसमें तो सिर्फ फैक्टराइज किया था और कुछ नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स प्लस 2 raised to 5 - 32 अपॉन एक्स। लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप मीन्स ये। ओके उमेश, जो भी हो आप लास्ट जब लेक्चर खत्म हो जाता है ना उसके बाद में मुझे कांटेक्ट करना, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, तो देखो x टेंस टू जीरो, यहाँ पे जीरो रखो, तो ये 2 raised to 5 दैट इज 32 माइनस 32, तो जीरो आया, अपॉन x टेंस टू जीरो, तो यहाँ पे जीरो रखो तो ये भी जीरो, तो ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो इसका कोई आंसर मिलेगा ही नहीं। ओके, यहाँ पे कुछ आंसर मिलेगा ही नहीं, तो क्या करोगे इसमें, तो आप ये ध्यान में रखो कि ये x को भूल जाओ, ये 2 raised to 5 32 माइनस 32 है, और साथ में ये एक्सटेंस टू जीरो रखने के बाद यहाँ पे भी जीरो बन रहा है, तब भी इस टाइप का जब फॉर्म बने तब भी हम इसका ही यूज़ करेंगे, बट कुछ अलग तरीके से, क्योंकि देखो ऐसा डायरेक्टली नहीं है कि x raised to n - a raised to n,
x रेस टू n नहीं है, हम इसको 2 रेस टू 5 तो लिख दे, पर सिर्फ x रेस टू n नहीं है, x प्लस 2 रेस टू n बन रहा है। यहाँ पे जो रेस टू 5 है वो रेस टू 5 यहाँ पे भी बन रहा है, तो वैसे भी इसको हम फैक्टोराइज नहीं कर सकते क्योंकि रेस टू 5 है, रेस टू 2 या 3 होता मैक्सिमम तो हम इजीली फैक्टोराइज कर सकते थे, सो दैट ये 32 और यहाँ पे 32 वो कैंसिल आउट होके x कॉमन लेके वो निकल जाता। पर इस टर्म में हम क्या करेंगे, तो पहले तो ये ध्यान में रखना है कि जो x के साथ है उसका रेस टू 5 करो तो वो 32, सेम टर्म यहाँ पे है हाँ, और यहाँ पे सिर्फ x है हाँ, तब आपको ये अगर इस टाइप की पैटर्न हो तो क्या करना है कि यहाँ पे जो रेस टू n वाली जो टर्म है मीन्स सिर्फ ये टर्म, इसको हमें कुछ अलग वेरिएबल ले लेना है। तो लेट दिस, अगेन मैं समझा रही हूँ कि क्या करना है, तो x के साथ कुछ और है हाँ, अब ये इसका रेस टू 5 करो तो वो 32 आएगा, सेम वो सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे है यस 32 माइनस करके है, अपॉन में सिर्फ x है हाँ, और x टेंस टू 0 ही होना चाहिए। जब ये तीन बात आपको ध्यान में रखें कि ये तीन टाइप का, ये तीन बात जो हमने देखी कि इस टाइप का पर्टिकुलर फंक्शन है, तो आपको क्या करना है, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू y ले लेना है। ये समझ में आया सबको कि ऐसा इस टाइप का हो अगेन कि x के साथ कुछ है उसका रेस टू 5 करो, मीन्स जो भी है वो टर्म सेम यहाँ पे है सब्ट्रैक्शन में। नेक्स्ट ये भी ध्यान में रखना है कि सिर्फ नीचे x है और सिर्फ x टेंस टू 0 ही होना चाहिए, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तब ये टर्म को हमें y ले लेना है। अब y लेने के बाद x क्या बनेगा, तो x इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस 2। ओके, अब देखो ये हमने ये y ले लिया तो यहाँ पे भी कुछ y आएगा, मीन्स ये x में से चेंज होके अब वो y वाली टर्म बन जाएगी, पूरी की पूरी y वाली टर्म बन जाएगी, तो अब इसको भी y बनाना पड़ेगा, तो वो हम लिखेंगे when x tends to 0, अगर x 0 बन रहा है तो x 0 बन रहा है तो y माइनस 2 भी 0 बनेगा, तो y माइनस 2 tends to 0, तो y किसको टेंड करेगा, ये 2 इस साइड जाए तो 2 को टेंड करेगा। ओके तो अब ये पूरी की पूरी टर्म क्या बन गई, तो हम लिखते हैं सो दिस टर्म जो दी है दैट विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 अगर है तो y किसको टेंड कर रहा है, तो 2 को। अब x प्लस 2 क्या लिया था, तो y, तो दिस रेस टू 5 मीन्स y रेस टू 5 माइनस 32 एज इट इज, x की जगह पे y माइनस 2। ओके, अब इस टाइप का बना हुआ आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको अगेन रीराइट करते हैं, y रेस टू 5 माइनस ये 2 है तो 2 रेस टू 5 इसको लिख सकते हैं हाँ, तो ये देखो x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपन x माइनस a x टेंस टू a, इस टाइप का बन गया, तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, तो n a रेस टू n माइनस 1। रीजन यहाँ पे आगे x लिखा था, यहाँ पे y है तो हम y लिखते हैं, इसका आंसर ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके, ये सिर्फ रीजन लिखा, अब ये क्या बना, तो 5 2 रेस टू 4 दैट इज 16, तो इसका आंसर क्या आएगा 80। ओके, ऑलमोस्ट टाइम हो गया है,
अगेन ये समझा देती हूँ कि क्या किया हमने यहाँ पे। तो जब भी इस टाइप की टर्म हो कि रेस टू फाइव ज़्यादा पावर है, अब यहाँ पे एक्स के साथ जो भी टर्म है उसके रेस टू जो भी दिया है वो करो, वो सेम टर्म यहाँ पे है, यस हाँ, टू रेस टू फाइव 32, तो वो सब्ट्रैक्शन में सेम है। नीचे सिर्फ एक्स है और एक्स टेंस टू जीरो है, तब ये मेथड आपको करनी है। अब ये मेथड मीन्स क्या, तो एक्स प्लस टू को वाई ले लेना है। अब जो भी एक्स में था उसको हम वाई में चेंज करेंगे, तो एक्स क्या बन रहा है, तो टू इस साइड लेके लेते हैं तो वाई माइनस टू बन जाएगा। अब ये भी एक्स है तो इसको भी वाई बनाना होगा, तो एक्स टेंस टू जीरो जब हो रहा है तो एक्स टेंस टू जीरो जब हो रहा है तो वाई माइनस टू टेंस टू जीरो होगा। तो वाई किसको टेंड करेगा, तो टू को टेंड करेगा। अब ये जो भी हमने लिखा वो सब यहाँ पे अप्लाई करना है, ओके। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो दिस विल बी कॉन्वर्टेड इंटू, ये किस में बदल जाएगा, तो लिमिट एज इट इज एक्स टेंस टू जीरो था तब y टेंस टू टू हो गया, तो x टेंस टू जीरो की जगह पे हमने y टेंस टू टू लिखा। अब ये क्या था, तो y हमने लिया था, तो y रेस टू फाइव माइनस 32 एज इट इज। अब x है तो x क्या बना, y माइनस टू। अब इसको रीराइट करते हैं कि y होल रेस टू फाइव लिखा, इसको टू रेस टू होल रेस टू फाइव लिखा, क्यों, क्योंकि y टेंस टू टू है तो टू रेस टू फाइव इसको लिखा, नीचे एज इट इज। अब इस टाइप की टर्म यहाँ पे बन गई, तो आगे जैसे मैंने आपको समझाया उस हिसाब से रूल अप्लाई करना। ओके, अब आज का सेशन यहाँ तक रखते हैं हम, और मैंने आपको होमवर्क भी दिया है, अब तक कैनवास में अलॉट हो गया होगा तो आप वो चेक कर लेना। ड्यू डेट देखना मत भूलना, ड्यू डेट मीन्स लास्ट डेट, आप वहाँ तक ही आप सबमिट कर सकते हो होमवर्क, उसके बाद आप सबमिट नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो ध्यान में रखना। मार्क्स मैंने उसके रखे हैं, वो मार्क्स भी काउंट होंगे आपके जो ग्रेड्स है वो, तो असाइनमेंट सबमिट करना मत भूलना। थैंक यू एवरीवन, यू कैन लीव नाउ। आप लिव कर सकते हो।